हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम समरी कर रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस की, साइंस बुक ग्रेड 8 सीबीएसई से। ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। कुछ स्टेज ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, या एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में जो कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में होती है, और उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी वो टाइम है, वो समय है जिसके दौरान सेक्सुअल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक चाइल्ड जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। प्यूबर्टी की शुरुआत एडोलेसेंस की शुरुआत से ही होती है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वो लड़कियों में कहीं जल्दी होती है, यानी 8 से 13 इयर्स की एज के बीच में, जबकि बॉयज में 10 टू 14 इयर्स के एज के बीच में होती है, और ये लगभग 2 से 4 साल तक रहती है। अब प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो फिजिकल चेंजेस ही होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनसे ज्यादा स्वेट निकलने लगता है। पिंपल्स या एक्ने आपको दिखने लग जाएंगे, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स वो बढ़ जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स ग्रो होते हैं और फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं। जो टेस्टीज हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं। ओवरीज ग्रो हो जाती हैं और वो उनका जो है ओवम जो है वो मैच्योर होने लगता है। मेल्स में अगर देखा जाए तो अलग अलग एजेस पे जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम पे जो साइज है पेनिस का वो बढ़ जाता है, और ये जो फीमेल्स हैं उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है और उसमें लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्यूबर्टी के दौरान मेंटल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। इसी टाइम पे जो हाइट है वो भी काफ़ी बढ़ती है। एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे तो आप हाइट और जल्दी अचीव कर पाएंगे। जो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है बॉयज में वो ग्रो कर जाता है और थोड़ा सा पार्ट बाहर की तरफ निकल आता है जो कि क्लियरली दिखता है। इसको हम एडम एप्पल कहते हैं। एडोलेसेंस क्या हुआ? एडोलेसेंस लाइफ का वो पीरियड है जो कि प्यूबर्टी की शुरुआत और एडल्टहुड तक पहुंचने के बीच का समय है, यानी कि ये वो समय होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। ये जनरली दोनों सेक्सेस के लिए, टीनेजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी लाइफ का वो पीरियड है जिसमें हमारे में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है और इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है, तब उस पीरियड को हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस के दौरान चेंजेस क्या क्या होते हैं? ज्यादातर जो चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं वही चेंजेस एडोलेसेंस में होते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी वही पीरियड है जब एडोलेसेंस स्टेज की शुरुआत होती है। 10 साल की उम्र के बाद जो इंडिविजुअल है वो एडोलेसेंस बन जाता है, और उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी शेप में बहुत बड़ा चेंज आता है जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही देखा जा सकता है। हाइट बढ़ जाती है और मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, यानी कि आपका मूड काफी चेंज होता रहता है। फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है, यानी कि जो आपका चेहरा है उस पर बियर्ड और मुस्टैच आ जाती हैं, जो कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, मेल्स में देखी जा सकती है। फीमेल्स में एनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट का, और पब्लिक हेयर की ग्रोथ होती है। ये सब चीज़ें आपको आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ताकि फिजियोकेमिकल फंक्शंस जो हैं बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर उनको रेगुलेट किया जा सके। अब ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स, ये जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लैंड्स हैं जो कि उनके पास डक्ट्स तो होती हैं पर वो अपने जो सिक्रीशंस हैं उनको रिलीज करते हैं टारगेट साइट्स तक। गोनाड्स जो हैं वो सेक्स ग्लैंड्स हैं जो सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स जो हैं प्यूबर्टी की शुरुआत में उन हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसका भी इनिशिएटिव करते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, जिससे कि जो मेल बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसमें आप फेशियल हेयर की ग्रोथ देख सकते हैं या वॉइस की क्रैकिंग देख सकते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, जिससे कि फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं। इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर है।
इसी दौरान ये जो एस्ट्रोजन है ये कंट्रोल करता है जो मैच्योर एग्स हैं उनकी ग्रोथ को और रिलीज को। प्यूबर्टी के टाइम पे जो लेवल है सेक्स हॉर्मोन्स का वो सफिशिएंट होता है ताकि जो गैमेट्स हैं, स्पर्म हैं या ओवम हैं, वो आसानी से मैच्योर हो सकें। जो रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ का वो मेल्स में ज्यादा होता है बजाय फीमेल्स के, और जो रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल्स का है वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से मार्क किया जा सकता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जो यूट्रिन थिकनिंग होती है उसके ब्लड वेसल्स के साथ वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान निकल जाती है बाहर, उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। या जो शेडिंग होती है यूट्रिन थिकनिंग की अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे निकल जाती है, उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर 28 से 30 दिन के बाद होती है। मेनेक्रे ये पहली ऑक्रेंस होती है मेंस्ट्रुएशन की। मेनोपॉज मेंस्ट्रुएशन का रुकना, उसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? जो स्पर्म और ओवम है उनके फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ताकि वो जो है एक सिंगल सेल बना सके जिसको कि जाइगोट कहा जाता है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्म्स में वो बताते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होगा। ह्यूमंस में जो है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के हर सेल के अंदर। जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम्स बनाते हैं। मेल्स में XY होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो राइज देते हैं, बर्थ देते हैं गैमेट्स को डिवीजन ऑफ मियोसिस की मदद से। अब गैमेट क्या है? वो एक मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल है, एक स्पर्म या एक ओवम। अगर स्पर्म जो है एक्स कैरी कर रहा है और वो ओवम को फर्टिलाइज कर देता है एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो जो रिजल्टिंग बेबी है वो गर्ल होगी। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और वो फर्टिलाइज करता है ओवम को एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो जो रिजल्टिंग बेबी होगा वो बॉय होगा। इसलिए मेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो न्यूली फॉर्म बेबीज हैं उनका जेंडर क्या होगा। जो जेंडर डिटर्मिनेशन है किसी भी अनबॉर्न बेबी का वो इलीगल माना जाता है इंडिया के अंदर। मतलब बेबी के पैदा होने से पहले ही आप उसका जेंडर अगर चेक करते हैं तो वो उसको इलीगल माना जाता है इंडिया के अंदर। कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आप देखते हैं वो कौन क्या है। गोनेड्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स और भी होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव फेस को मेंटेन करने में। इसमें आता है थायराइड ग्लैंड। पहला थायराइड ग्लैंड जो है वो थ्रोट रीजन में होता है और वो थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करता है। गोइटर किस वजह से होता है? अगर थायराइड ग्लैंड हमारा बड़ा हो गया तो उसकी वजह से गोइटर होता है। थायरोक्सिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो लार्वा और टैडपोल्स हैं वो एडल्ट फ्रॉग्स में जो कन्वर्ट होते हैं तो उनका जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके लिए थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। फिर है पेनक्रियास। जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का वो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स से बना होता है। इंसुलिन और ग्लूकागन ये जो है बीटा सेल्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है और अल्फा सेल्स द्वारा, और ये जो है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करता है। इसका असर जो है आप जो इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव लाइफ है उस पर भी देख सकते हैं। फिर है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो मास्टर ग्लैंड है ये कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को बाकी और एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसमें आपका थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज या ग्रोथ हॉर्मोन्स की भी बात कर सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ग्लैंड्स जो हैं किडनी के बिल्कुल ऊपर होते हैं। ये हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको कि कहते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो सॉल्ट बैलेंस बना के रखता है ब्लड के अंदर। इससे बॉडी को मदद मिलती है कि वो जो स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं, हंगर, फ्राइट, फाइट, फ्लाइट, इन सबसे बॉडी को जो है एक एडजस्ट होने में मदद करता है। एक इंसान जो कि पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली कंप्लीट होता है उसको हम हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। अच्छी पर्सनल हाइजीन जो है वो अच्छा और पहला कदम है एक सेहतमंद इंसान होने के लिए। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करना, उसको क्लीन रख के। एडोलेसेंट्स के लिए खासतौर से वो कहा जाता है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें, क्योंकि उनके सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इस स्टेज पर बहुत एक्टिव होते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो एडोलेसेंट्स को लेने चाहिए।
सबसे पहले फूड। एडोलेसेंस को जो है एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी बिल्कुल सही मात्रा में। हेल्दी फूड जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो जंक फूड है उसमें आइदर बिल्कुल नहीं या बहुत ही कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फिर है क्लीनिनेस। जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इन्फेक्शंस ना हो। बॉडी पार्ट जैसे कि हेयर, स्किन, नेल्स, फीट, ये जो है ज़्यादा जल्दी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्यूबर्टी के दौरान, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में से दुर्गंध आती है। तो जल्दी जल्दी नहाना या डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी होता है एडोलेसेंस के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हो, क्योंकि इस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग की वजह से आपके सारे टॉक्सिन्स या जो वेस्ट हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं और आप जो है एक लेथार्ज होने से, आलसी होने से भी बच जाते हो एक्सरसाइज करने की मदद से। जो हमारा पीयर प्रेशर होता है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है उससे काफ़ी अच्छे से दर्शाया जा सकता है। मेंटल बैलेंस का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है उससे हम अपने आप को ऊपर उठा सके। फिर आती है बात ड्रग्स की। ड्रग्स जैसे कि नारकोटिक्स हैं, इनको हमेशा के लिए या कह सकते हैं कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। जो पर्सन जो है ऐसी स्टेट में होता है जब वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार होता है, तब भी उसे कितनी भी उसको परेशानी हो ड्रग्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। HIV जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है आइदर सिरिंज का यूज़ करके या फिर क्या कहते हैं उन ड्रग्स को जिन सिरिंज से इंजेक्ट किया जाता है, उसकी वजह से जो है HIV के जो वायरस है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में जो लीगल एज है मैरिज की वो 21 ईयर्स है बॉयज़ के लिए और 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए। प्रेगनेंसी जो है तभी आती है जब आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है। एक इंसान को कभी भी सेक्स के लिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी मैरिज नहीं हो जाती। HIV सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होता है, एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से आपको एड्स हो सकता है। तो बच्चों ये थी हमारी समरी, आपको समझ में आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।